आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात कर रहे हैं दो भाइयों की, जिनका संकल्प और कड़ी तपस्या हर उस व्यक्ति को प्रेरित करती है जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले सचिन अग्रवाल और सुमित अग्रवाल के सपने बहुत बड़े थे। वो अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते थे। उनके पिता जेपी अग्रवाल ने कई बिजनेस किए लेकिन अधिक सफलता प्राप्त नहीं कर सके, परंतु परिवार की जरूरतों को पूरा करने से वो कभी पीछे नहीं हटे। सचिन बचपन से ही प्रतिभावान बालक थे, क्लास के फर्स्ट रैंकर हुआ करते थे। हर कोई उनमें एक बड़ा भविष्य देखता था। सचिन चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते थे और उनके भाई सुमित एक आईआईटी इंजीनियर। हालांकि आर्थिक स्थिति के कारण वो दोनों अपने सपनों को पूरा नहीं कर सके, लेकिन उन्हें इस बात से ये प्रेरणा अवश्य मिली कि वो अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने की दिशा में बहुत कुछ अच्छा कर सकेंगे। नए विचारों और नई आशाओं के साथ उन्होंने आगे बढ़ने का निश्चय किया। अपने एक इंटरव्यू में सचिन अग्रवाल और सुमित अग्रवाल बताते हैं, शुक्र है कि हमें आसपास के लोगों ने हमेशा आप कुछ बड़ा करोगे जैसे वाक्यांशों के साथ आशीर्वाद दिया और मुझे लगता है कि वो मेरे पक्ष में काम किया। दोनों भाई ये बहुत अच्छी तरह से जानते थे, हर बड़ी चीज की शुरुआत छोटे स्तर से ही होती है। इन्हीं विचारों के साथ उन्होंने साल 2006 में माइक्रोटेक और एक्साइट जैसी बैटरी के वितरण का धंधा शुरू किया। बिजनेस शुरू करने से पहले महीने में इनको महज 10,000 रुपए आमदनी हुई। इतनी कम कमाई देखकर ये व्याकुल नहीं हुए बल्कि पूरे आत्मविश्वास से भरकर अपनी स्ट्रेटजी बनाते रहे। कहते हैं ना, जो मेहनत करता है ऊपर वाला भी उसकी मदद करता है। सचिन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इसी दौरान तमिलनाडु को बिजली कटौती के एक प्रमुख मुद्दे का सामना करना पड़ा और इससे बैटरी इन्वर्टर जैसी चीजों की बिक्री बढ़ी। उन्हें भी इसका भरपूर फायदा मिला। फिर वर्ष 2013 में उन्होंने ल्यूमिनस बैटरी का वितरण शुरू किया बैंगलोर में एक आउटलेट के साथ, लेकिन ग्राहकों की डिमांड को देखते हुए जल्द ही 6 आउटलेट्स खुल गए। अपने एक साक्षात्कार में सचिन ने कहा कि आप जितनी बड़ी समस्या को हल करते हैं उतना ही बड़ा पैसा आप बनाते हैं। सचिन अग्रवाल और सुमित अग्रवाल 15 साल से बैटरी वितरण व्यवसाय में हैं। उनकी सफलता की कुंजी ब्रांड, वितरकों और कस्टमर की समस्याओं को हल करना है। उन्हें लगता है कि यदि कोई उभरती समस्या को हल नहीं कर रहा है तो कोई भी व्यवसाय व्यापक रूप से स्थापित नहीं हो सकता। इसके लिए उन्होंने अलग अलग राज्यों में घूमा, जानने की कोशिश की कि वो जिस समस्या का समाधान खोजने के लिए निकले हैं वास्तव में वो समस्या कितनी बड़ी है। इसके लिए उन्होंने अलग अलग ब्रांड से गठजोड़ किया, कई समूहों से संपर्क साधा और लोगों से बात की। कारोबार की तमाम बारीकियों को बेहद करीब से देखने और जानने के बाद उन्होंने अपना खुद का बैटरी ब्रांड लॉन्च करने का फैसला किया। रिडॉन नामक ये बैटरी ब्रांड सीधे कस्टमर के लिए उपलब्ध है। उन्होंने वितरण श्रृंखला में समय और पैसा बर्बाद करने के बजाय सीधे उपभोक्ताओं तक अपनी पहुँच बनाई। वर्तमान में उनका टर्नओवर 150 करोड़ के करीब है और दोनों भाई आने वाले वक्त में इसे 1000 करोड़ तक ले जाने की ओर कार्यरत हैं। सचिन कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यापार को करना चाहता है तो सबसे पहले उसे ये जानना होगा कि उसका उस व्यवसाय में इंटरेस्ट कितना है, ज्ञान कितना है। अगर आपको हद से ज्यादा इंटरेस्ट है, एक जुनून है, तो कम ज्ञान होने पर भी बिजनेस अच्छे से चला सकते हैं, क्योंकि जब आप व्यवसाय शुरू करते हैं तो एक्सपीरियंसेस, रिसर्च और स्टडी के आधार पर अपने आप आपके अंदर बिजनेस का ज्ञान डेवलप हो जाता है और आप एक पूर्णतः अच्छे व्यापारी बन जाते हैं। निसंदेह ये कहानी हमें जीवन में सफलता के पथ पर चलने के लिए सही दिशा देती है। यदि आप सही निर्णय लेते हैं और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। ओके क्रेडिट, बिजनेस ओके है।